वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल में मैथमेटिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं और करंट में ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया है कि आर एस अग्रवाल का पहले कॉन्सेप्ट देखा, देन आफ्टर हमने उसकी प्रॉब्लम क्लास ली और अच्छे से सारी प्रॉब्लम को डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको किसी प्रॉब्लम में या किसी अदर क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। हमने बेसिक्स सीख लिए, अब बेसिक्स बाद अब हम और एडवांस होना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का और एडवांस क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम आर एस अग्रवाल की बुक का डिस्कशन करेंगे। आर एस अग्रवाल तो कर लिया, सॉरी, अब हम राकेश यादव की बुक का डिस्कशन करेंगे। इनकी बुक काफ़ी एडवांस के लिए अच्छी है। तो बेसिकली ये इनके नोट्स हैं, इनके हैंड रिटन नोट्स हैं। मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है मेरे लैपी में, तो कागज़ भी सेव हो रहा है, ई कॉपी से पढ़ाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि साइन एक्स बाई एक्स साइन 17 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई एंड सेक 17 माइनस सेक इज इक्वल टू 73 इज इक्वल टू वाट, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई। देखिए, साइन 17 बराबर एक्स बटे वाई, मतलब साइन थीटा बराबर एक्स बटे वाई, मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण दे रखा, आधार आपको कैसे पता चलेगा, आधार बराबर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आपका आधार आ गया। बी बराबर बेस कह देते हैं, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया, सब कुछ आपको पता चल गया। तो आप किसी भी थीटा वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये sec 17 लिखा है लेकिन sec 17 तो वैल्यू पता नहीं, इसे क्या कर लिखिए, sec 90 माइनस 73 लिख दीजिए। 17 लिख सकते हैं आप, थोड़ा एडवांस लेवल पे आ गए तो थोड़ा सोचिए हमने ये कैसे लिखा। 17 को 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन 73, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा cos sec थीटा, cos sec 73 माइनस साइन 73, cos 73 cos sec 73 माइनस साइन 73। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन 73, साइन 73 माइनस साइन 73, ठीक है। अब ऐसा करिए बालक कि अब साइन 73 की वैल्यू निकाल लीजिए। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस वैल्यू को निकालने के लिए आपको देखिए साइन 17 की वैल्यू दे रखी है, दे रखी कि नहीं दे रखी, तो या फिर आप ऐसा करिए, इस दोनों को 73 को आप 17 में बदल दीजिए, या इधर से साइन 17 की वैल्यू, इसे साइन 17 को 73 में बदल दो, तो इधर से वैल्यू उठा के हम इसमें रख दें। तो फिर क्या करने वाले हैं आप, आपको ये दोनों चीज़ें पता है, एंगल पता है और इस एंगल में, तो आप ऐसा करिए बालक कि आप 73 को जो है ना, इसे ही 17 में रखिएगा, सबको 17 में ही बदलिए, जिससे जो है ना आपकी डायरेक्ट वैल्यू जो दे रखी है यही उठा के आप रख देंगे, आपको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं। तब इसे 73, ये भी 73, सबको 17 में ही रखिए, ये आपके लिए इजी होगा क्योंकि 17 की वैल्यू हमें दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, इसे 17 में बदल दीजिए, वेरी सिंपल बात, ये लिखा है साइन 73, इसे बदलिए साइन 90 माइनस 17, इसे साइन 90 माइनस 17, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा हो गया, तो 1 इज इक्वल टू, इधर देखिए 1 माइनस कॉस 17 हो गया, ये माइनस का कॉस 17, सिंपल 17 बदल दिया। अब देखिए 17 की वैल्यू दे रखी है, तो हमने आधार निकाल लिया था, तो कॉस थीटा और क्या होता, आधार बटे कर्ण, तो 1 बाई कॉस आधार कितना, इतना रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बटे कर्ण कितना वाई, तो ये ऊपर चला जाएगा 2y, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, आधार कितना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बटे कर्ण कितना है वाई, ये आपकी वैल्यू आ गई। बात समझ आई आपको, ये दे रखा था साइन थीटा बराबर, तो हमने इसे कॉस थीटा निकाल लिया और इन सबको हमने कॉस थीटा में बदल दिया, क्यों थीटा 17, इसका जहाँ 73 था उसे 17 बना दिया, 17 बना दिया। तो इस तरह हमने पहली प्रॉब्लम इसकी सॉल्व की। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि यदि साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड इक्वल टू ए, देन फाइंड दिस दिस दिस। अब आपको हम थोड़ा अंदर की बात बताते हैं। देखिए, ये 90 डिग्री लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं 89 डिग्री 60 मिनट, एनी प्रॉब्लम,
60 मिनट को हम डिग्री में बदल देंगे तो फिर से 90 हो जाएगा, 89 + 1 90। खुश, आगे देखो आप क्या करते हैं इसके साथ। 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। बात वही है, 60 सेकेंड को मिनट में बदला तो ये 60 मिनट हो गए, 60 मिनट को इसमें बदलेंगे तो फिर से हमारा बन जाएगा पूरा 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री को हम मिनट और सेकेंड के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड्स। ऐसे करके हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है बालको, दिया है कि साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड्स इज इक्वल टू ए, देन फाइंड आउट कॉस 79 मिनट 53, 79 डिग्री है 53 मिनट और 28 सेकेंड्स प्लस 10, 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड्स इज इक्वल टू व्हाट। आपको इसकी वैल्यू निकालनी, देखिए आपको जो दिया है वो दिया है साइन 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकेंड इज इक्वल टू ए, और यहाँ 79 डिग्री, ये तो मामला फंस गया। अब हम क्या करें, इसे भी इसी में बनाते जो ये एंगल दे रखा है 10 डिग्री, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू पता है ना, तो 79 डिग्री है 53 मिनट 28 सेकेंड को हम बनाएंगे 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड। कैसे बनाएंगे, अब देखिए अगर आप घटा देते हैं 90 मिनट को, हम ऐसे लिख सकते हैं 90 में से 79 घटाइए। देखिए 90 मिनट को हम लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा 90 मिनट को लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। अब इसे घटा दीजिए इसे, क्योंकि हम cos 90 माइनस थीटा बना देंगे तो ये कितना हो जाएगा sin थीटा, और sin थीटा मतलब थीटा ये हो जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू पता है इसलिए हम ये दुनियादारी कर रहे हैं। तो देखिए अब इससे अगर ये घटाते हैं आप 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकेंड, देखिए मिनट से मिनट घटेगा सेकेंड से सेकेंड घटेंगे, हिसाब गलत नहीं होना चाहिए। तो 10 में 8 गए 2, 6 में 2 गए, एक उधार चला गया था ना 5 बचा, 5 में 2 गए 3, 32 सेकेंड, 9 में 3 गए 6, इधर कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है 0 हो गया, और इधर 0 और 8 में 1 है 7, 10 डिग्री 6 मिनट 30। अगर हम 90 से इसे घटा देते हैं, इसे घटाएं तो बचेगा कितना, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, बात समझ में आ रही। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड। अब अगर हम 90 से इतना घटाएंगे तो इतना बचेगा, हमने जोड़ गुणा करके आपको बता दिया, ठीक है प्लस 10, 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड्स इज इक्वल टू व्हाट। आगे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड्स प्लस, इसे भी बदल दीजिए साइन कॉस में, 10 थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड्स बटे कॉस 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट। देखिए साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू ए दे रखी, तो ए प्लस साइन थीटा ऊपर भी ए बटे ये कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर ए तो कॉस थीटा को लिख कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा देन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए देन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर, रूट ले लीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आपका इसकी वैल्यू आ गई। बात समझ में आई आपको, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुए। आगे करते हैं हम क्वेश्चन में, आगे अपने इस राकेश यादव की बुक के नोट्स के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे नंबर में बालक देखो क्या कह रहा है कि एक कोई ट्रायंगल है एक्स वाई जेड जिसमें एंगल वाई इज इक्वल टू 19, एंगल वाई कितना है 90, ठीक है मान लिया ये एक्स वाई जेड, ठीक है एक्स वाई जेड तीनों में मान लिया। आगे देखते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 2√6, एक्स वाई मतलब ये कितना है 2√6, और क्या दे रखा है एक संबंध दे रखा है एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2, एक्स जेड मतलब कि एक्स जेड माइनस वाई जेड
मतलब इस भुजा से इस भुजा को अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, इस भुजा से इस भुजा घटाओगे तो हमारा आएगा 2। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर हम इस भुजा कुछ मान लो वाई जेड बराबर, कुछ मान लो, कुछ मान लिया हमने, ये भुजा कितनी एक्स वाई तो मान चुके हैं, इसे हम मान लिया एल। ये भुजा अगर एल हो गई तो एक्स जेड बराबर एक्स जेड माइनस एल इज इक्वल टू 2, तो एक्स जेड मतलब ये कितनी होगी 2 प्लस एल। वैसे भी कर्ण ये होगा तो कर्ण हमेशा ज़्यादा रहेगा, बात समझ आई। आगे देखो क्या कह रहे हैं, आगे मैं ऐसे कह रहे हैं कि आप वैल्यू फाइंड करिए, प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व कराएंगे ही। देखते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सेक एक्स ये हमारा एंगल कौन सा है एक्स, वाई 90 ये एंगल कौन सा है जेड। ठीक है, तो सेक एक्स और टेन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करें, सेक एक्स क्या होता है इसे लिख सकते हैं हम एक तरह से वन बाई कॉस एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स इक्वल टू व्हाट, एलसीएम ले लीजिए, कॉस एक्स ऊपर बचा 1 प्लस साइन एक्स। अब सिंपल फॉर्म में हमारा आ गया जो निकालना है, साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें, सीधी जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ये आप एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये एंगल आपको पता है, तो समकोण त्रिभुज जो प्राइमरी चीज होती है वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 2 प्लस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 छंग 24। बात समझ में आई, स्क्वायर खोल दीजिए 4 धन L स्क्वायर धन 4L इज इक्वल टू L स्क्वायर धन 24। L स्क्वायर गया 4L बराबर 20, देन L बराबर 5। L की वैल्यू जब 5 आ गई तो ये भुजा पता, ये भुजा पता, ये भुजा पता, आप सब जान गए साइन थीटा साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। L कितना है 5, 5/7 मतलब 1 प्लस 5/7 बटे कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 2√6 बटे कर्ण कितना है 2 प्लस एल मतलब 5 2 7। अब इसकी वैल्यू आप हल करके निकाल लेंगे, पास समझ आई आपके कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, बड़े ही आसान ढंग से ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ये बुक जो है ना ये बड़े महत्वपूर्ण, आप देख रहे होंगे कि कोई क्वेश्चन मिलता हुआ सा नहीं है, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा उसकी वैरायटी अलग होगी, ट्रिक अलग होगी, जुगाड़ अलग होगी, उसके बाद क्वेश्चन आएगा उसकी वैरायटी ट्रिक जुगाड़ सब अलग होगी। बट RS अग्रवाल में ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन तो उसके 10 समान क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन, फिर उसके 2-3 एक जैसे क्वेश्चन, वो एक बेसिक बुक थी, अब ये मॉडर्न सी है। तो आपको बात ये समझ में आई होगी कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे हल किया। आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो बालको 4 नंबर में क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल दे रखा है, कोई ट्रायंगल दे रखा है, अरे बिल्कुल यही क्वेश्चन है, AB-BC इक्वल टू 2, एक भुजा दे रखी है तो इसका अंतर करके पूछा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस इन्होंने भी कॉपी कर दिया है, वही दोबारा से वही ट्रिक लगवा ली, तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 4 नंबर बिल्कुल 3 नंबर जैसा है। तो हम इसे ना करते हुए 5 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, 5 नंबर ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बालक, कह रहा है कि 2 sin α + 15 cos² α इज इक्वल टू 7, देन फाइंड cot अल्फा। एक इक्वेशन दे रखी है cot अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, आपसे cot अल्फा की वैल्यू पूछ रखी है। तो बालकों देखिए अब इसे कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि अगर आप सिंपल विधि से जाना जाना चाह रहे हैं तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, कॉट अल्फा की वैल्यू 3/4 दे रखी है, इनका एक सरल तरीका ये भी है, तो कॉट अल्फा और व्हाट पूछा है आपको, ऑप्शन में दे रखा है 3/4 + 5/4 + 1/2 + 1/4। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, कॉट अल्फा मान लीजिए इतना है, कॉट अल्फा मतलब कि टेन अल्फा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट अल्फा आधार बटे लंब, आधार कितना 3, लंब कितना 4, तो कर्ण कितना हो गया 5। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 3/5 और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 4/5। आप रख के देख लीजिए अभी, अगर इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो कॉट अल्फा की वैल्यू 3/4 सत्य है। 1 मिनट का क्वेश्चन है, देखिए कैसे
आपने मान लिया cot alpha की वैल्यू 3/4 है। cot alpha मतलब tan alpha होता हमारा लंब बटे आधार, तो cot alpha आधार बटे लंब। आधार कितना 3, ये हो गया आधार, ये हो गया अपना लंब। आधार बटे लंब हमें पता चल गया है। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर 5, आधार का स्क्वायर देन लंब का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लीजिए 5 आ जाएगा। वैल्यू रख दीजिए 2 × sin α क्या होगा, लंब बटे कर्ण 4/5 प्लस 15 × cos α क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, लेकिन स्क्वायर लिखा 3 × 9/25। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, अगर 7 आ जाती तो आपका ये ऑप्शन सही है। देखिए 5 × 3 = 15, 5 × 25 ठीक है, 4 × 2 = 8/5 प्लस 9 × 3 = 27/5, दोनों को जोड़ दीजिए 8 × 7 = 15 हासिल लगे 1, और कितना होगा 2 × 1 = 3, 35 / 5, 5 × 7 = 35, वैल्यू कितनी आई 7। तो आप बात समझ गए कि लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, मतलब cot alpha की वैल्यू 3/4 हमने मानी वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसकी cot alpha की वैल्यू 3/4 होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका एक लॉन्ग मेथड भी हो सकता है अगर आप लगाना चाहें, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग सा हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इस cos alpha को आप लिख सकते हैं 15 ((1 - sin²α) = 7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 15 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक ये द्विघाती समीकरण बन जाएगी, आप ये द्विघाती समीकरण बन जाएगी। चलो थोड़ा सा हल करके देखते हैं, 2 sin α देखते रहिएगा प्लस 15 का अंदर मल्टीप्लाई, 15 - 15 sin²α = 7, 15 को उधर भेज दीजिए, माइनस के 15 sin²α प्लस का 2 sin α, या फिर 7 को इधर ले आइए, तो 15 में 7 गए 8 = 0 ठीक है। माइनस से डिवाइड कर दीजिए, 15 sin²α - 2 sin α ये कितना है, प्लस का है माइनस का, 8 = 0। अब इसकी आप गोलनखंड कर लीजिए, गोलनखंड करने से आपको साइन अल्फ़ा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, साइन अल्फ़ा पता चल जाएगी तो आप कॉस अल्फ़ा भी निकाल लेंगे, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको टेन अल्फ़ा, आपको कॉट निकालना तो कॉस अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा को डिवाइड कर दीजिए तो आपको कॉट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। एक ये तरीका, एक ये से उदाहरण, दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बालक अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये हमारा था पांचवा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवां, छठवें में देखिए क्या कह रहे हैं। छठवें में कहा जा रहा है कि 2 - cos²θ, क्वेश्चन नंबर छठवां, छठवें देखिएगा लिखा है 2 - cos²θ = 3 sin θ × cos θ ठीक है। तो ये पूछ रहा है बालक tan θ = what, देन tan θ = what, इसके वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, ये दो समीकरण हैं, आप अगर चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर के हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसे थोड़ा हम अंदर तक सॉल्व करते हैं ठीक है। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं टेन थीटा की वैल्यू व्हाट, टेन थीटा के ऑप्शन 1/2, 0, 2/3, 1/3। एक तो ये तरीका है बालक कि आप सीधे ऑप्शन डाल के चेक कर लो, टेन थीटा ये मतलब लंब बटे आधार पता है, कर्ण आपको पता चल गया ठीक है, कर्ण पता चल जाने से आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। बात समझ आई कि नहीं आई, देखिए लंब बटे आधार ये हो गया, लंब ऊपर हो गया आधार नीचे हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1/2, कर्ण कितना हो जाएगा हमारा रूट के अंदर इसका स्क्वायर मतलब 4 प्लस इस लंब का स्क्वायर 1 मतलब 1/√5, 1/√5 हमारे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह आपको ये चीज़
पता लग गई, साइन थीटा पता लग गया, तो आप कॉस थीटा निकाल लेंगे और इसी तरह आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करके दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो आपका ये ऑप्शन सही है। बात समझ में आई? तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसका एक जो दूसरा तरीका है वो लॉन्ग मेथड ये है कि आप देखिए इधर साइन थीटा है, ठीक है, तो इसे भी आपको स्क्वायर रूट में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर द्विघाती समीकरण भी आपको बनाना है तो कॉस थीटा इधर है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, पर ये साइन थीटा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें साइन थीटा को भी स्क्वायर रूट में लाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो आपका साइन थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा में आ जाएगा, और इस तरह आपकी एक द्विघाती समीकरण बन जाएगी, फिर आप इसे हल कर सकते हैं। पर इससे एक सिंपल तरीका यही ऑप्शन वाला, आप इसे चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू दोनों में डाल के देख लीजिए, दोनों पक्ष बराबर हो जाते, इट मीन्स यू आर राइट। बात समझ में आई? इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो 7 में क्या कह रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? देखिए बड़ा ही सिंपल सवाल है, आपसे ये चीज दे रखी है और आपसे cos थीटा की वैल्यू पूछ रखी है, तो आप इसे कैसे लगाइएगा देखते हैं। पहले तो आप चाहें तो इन दोनों को ही आप cos थीटा में बदल लीजिए, क्योंकि हमें cos थीटा ही निकालना है। बात सही कि नहीं? तो आप cos थीटा में बदल लीजिए तो और भी आसानी रही है, निकाल पाएंगे हम, देखिए। या फिर इसके और डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, जैसे दिखाया है अपना sin थीटा cos थीटा में बदल के करते हैं। देखिए sec थीटा 1/cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू 3, 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये क्या हो गया 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। आपको यहाँ से cos थीटा की वैल्यू चाहिए। अब देखिए बालक, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए और इधर है sin थीटा। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें द्विघाती समीकरण बनाना पड़ेगा, हमें sin थीटा को एलिमिनेट करके cos थीटा लाना पड़ेगा, तब हमारा द्विघाती समीकरण बनेगा और हमारे cos थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए हम कर सकते हैं 1 को उधर ले जाइए, sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ से आप स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 6 cos थीटा। इस sin स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसे भी उधर ले जाएंगे तो 9 में से एक ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 6 cos थीटा, और ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, 6 cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कि एक cos थीटा डिवाइड कर दो तो cos 10 cos थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 6/10, मतलब 2 3 जा 2 5 जा, मतलब 3/5। बात समझ में आई आपको? तो इस तरह हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन पे क्या है, आगे क्वेश्चन पे आप देख रहे होंगे इन्होंने कुछ RS इसी में राकेश यादव की बुक में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले आगे बना के दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला हम भी आपके लिए यहाँ लिख देते हैं, आप इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। इन्होंने ऐसा बनाया है कि अगर लिखा हो sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में हो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसे आप याद रखिएगा, इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, वर्गांतर लगा दिए दोनों का वर्गांतर, तो होगा कितना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो होते ही आपका वही फॉर्मूला है, थोड़ा इसमें वर्गांतर उन्होंने खोल दिया है, ठीक है।
या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इस चीज़ को आप लिख सकते हैं sec थीटा प्लस टेन थीटा को वन बाई, दिख रहा है ना आपको, वन बाई sec थीटा माइनस टेन थीटा, ये याद रखिएगा। sec थीटा प्लस टेन थीटा को आप लिख सकते हैं वन बाई sec थीटा माइनस टेन थीटा। वो कैसे, आप इसमें प्लस का मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, तो नीचे क्या, जब प्लस का करेंगे तो वर्गांतर है, नीचे एक हो जाएगा, ऊपर बचेगा sec थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब एक में प्लस एक में माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू वन आएगा आपका। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं, हमने क्वेश्चन कहाँ तक डिस्कस कर लिए, सात नंबर तक। सात के बाद आप लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर, मतलब कि आठ पर। बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े अत्युत्तम सवाल हैं, क्वेश्चन है, अब एक अच्छी सीख मिलने वाली है। देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर एट पर, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू टू रूट फाइव, टू प्लस रूट फाइव, देन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। जैसा कि आपको पीछे भी बताया हमने, एकदम से आपने ध्यान दिया होगा, क्या बताया था कि ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू दिस, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक जो पीछे फॉर्मूला बताया था वो क्या था कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। इसकी वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है। इसकी वैल्यू कितनी है, टू प्लस रूट फाइव, इसे नीचे भेज दीजिए, मतलब वन बाई टू प्लस रूट फाइव। ठीक है, अब हम क्या करें कि अब हम इसमें माइनस वाले से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब टू माइनस रूट फाइव से ऊपर, नीचे भी टू माइनस रूट फाइव से। अब नीचे वर्गांतर लग जाएगा, आपको दिख रहा होगा, तो बचेगा कितना, ऊपर बचेगा टू माइनस रूट फाइव बटे नीचे चार माइनस पाँच, इधर बचेगा माइनस का वन। तो ऐसा करें, माइनस वन से इधर ऊपर माइनस कॉमन लेके काट दीजिए, ऊपर बचेगा रूट फाइव माइनस टू, मतलब कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस टू। और दे क्या रखा था हमें, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस टू, दोनों को जोड़ दीजिए, खत्म। टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू टू, खत्म, टू रूट फाइव, टू से टू गया। कॉसेक थीटा को लिखेंगे वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू रूट फाइव, देन साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट फाइव, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आठवां था। आठवें के बाद में नवे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो नवे नंबर क्वेश्चन पे हम अगले वीडियो में डिस्कस करें, क्योंकि वीडियो की एक लिमिटेशंस है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको आर एस यादव की नाइन से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वंदे मातरम।